देखो ये आया है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dillihighcourt.nic.in, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। देखो दिल्ली हायर जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, डीजे कैडर की वैकेंसी आउट हो चुकी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिस नाम से आप जानते हो आप समझ लें। और इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, एग्जाम कब है, क्योंकि इसमें डेट दे रखी है एग्जाम कब होगा, तो पूरी बात कर लेते हैं और आपको समझा देता हूँ सारा नोटिफिकेशन। देखो ये आया है हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dillihighcourt.nic.in, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टोटल वैकेंसी 16 है, और इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, और इसमें एग्जाम डेट बता रखी है 20 अगस्त 2023, 11 AM से लेकर 1 PM तक होगा, संडे को होगा ये एग्जाम। और इसमें ये बात, इसमें 7 पे कमीशन बता रहा है, 7 पे, तो इसका मतलब सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई नहीं होता दिल्ली में। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। और बेसिक पे रहेगी 1,31,000 के आसपास, बेसिक पे रहेगी 1,31,000 से लेकर 2,00,000 के आसपास बेसिक पे। फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके देख लेना। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटिन्यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, कोई जेएलओ बन गया जूनियर लॉ ऑफिसर, उसने छोड़ दी प्रैक्टिस, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको बोलता भी हूँ जेएलओ हायर जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकता, तो ये है कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जेएलओ एपीओ का एग्जाम दे सकता है, तो ये कंफ्यूज मत होना, उसमें कंटिन्यू एक्सपीरियंस नहीं मांगते। जहां कंटिन्यू एक्सपीरियंस मांगते हैं वहां फिर ब्रेक हो जाता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज है मिनिमम 35 से लेकर 45 तक। और इसमें ये, इसमें जजमेंट वजमेंट की बात नहीं कर रहा, कि राजस्थान में तो जजमेंट भी मांगते हैं, तो इसके हिसाब से तो फिर 7 साल का एक्सपीरियंस वाले कोई भी दे सकता है। इनका 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और मुझे बता देना कमेंट करके जो दिल्ली से है, जजमेंट मांगते हैं या नहीं मांगते, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि जजमेंट होना चाहिए ऐसा कुछ। और बाकी जो दिल्ली के बच्चे हैं बिल्कुल कमेंट करना, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी। और अब इसकी डेट बता देता हूँ कब से फॉर्म चालू हुआ है, 14/7/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 29/7/2023 इस महीने की लास्ट डेट है, 29/7/2023, तो ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास। अब 16 में से सीट कितनी है, जनरल की 3 है, एससी की 7 है, एसटी की 6 है, टोटल 16 है। इसमें से फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 3 है रिजर्व, 16 में से 3 रिजर्व फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है। और अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम क्या रहेगा, मतलब प्री में क्या कैसे पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 25% की। सिलेबस की बात कर लेते हैं, प्री में पूछा जाएगा जीके पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन पूछा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपी एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट, बैंक करप्शन एक्ट, ये सारे बहुत सारे एक्ट हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, कमर्शियल कोर्ट, प्रोविडेंट फंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और डिजाइन एक्ट, ये सारे प्री में पूछे जाएंगे। ये लॉ, ये सिलेबस है प्री का। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मिनिमम जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम बना रखा है, और एससी एसटी वालों के लिए 45%, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 45%, तो ये सारी चीजें रहेगी। अब बात करते हैं मेंस का। देखो पहला पेपर मेंस का होगा 150 नंबर का, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज का, और सेकेंड पेपर लॉ का होगा, वही सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ सीपीसी, मतलब सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल कोड, कोर्ट फी एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन एक्ट। 200 मार्क्स का होगा पहला, सेकंड पेपर, पहला पेपर तो मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज और लैंग्वेज का होगा। अब थर्ड पेपर होगा लॉ सेकंड का, उसमें आएगा टीपी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड, इंडियन पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, पर्सनल लॉ, इंडियन सक्सेशन, हिंदू लॉ, स्पेशल मैरिज, हिंदू अडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट, डिवोर्स एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट, बैंक करप्शन एक्ट, और यही इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री एक्ट। बहुत लेंदी सिलेबस लग रहा है मुझे तो दिल्ली जुडिशरी, हायर जुडिशरी का।
वो भी 200 नंबर का पेपर होगा। फोर्थ पेपर भी लॉ है, पढ़ लेना, आईपीसी सीआरपीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल जुवेनाइल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेगोशिएबल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस ड्रावरी प्रोबेशन एक्ट। मैं तो मुंह ही दुख गया बोल के, फिर भी फोटो लगा दूंगा, आराम से पॉज करके पढ़ लेना, मैंने रीड कर दिया, कुछ छूट गया हो तो। अब इसकी बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। जनरल वालों के लिए 45% है और टोटल एग्रीगेट आने चाहिए 50%। एससी एसटी वालों के लिए 40% है, टोटल एग्रीगेट 45% है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सारे पेपरों में, और फिर एग्रीगेट आनी चाहिए 45%। तो ये सारा चीज रहता है, और इंटरव्यू होगा 250 मार्क्स का, मिनिमम क्वालिफाइंग 50% है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। तो ये रहा सिलेबस, और दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, और दिल्ली मतलब सिविल जज की वैकेंसी भी बहुत जल्द आ सकती है, ये मत सोचना कि ये आ गई है। तो मैंने आपको बोला था जुलाई में वैकेंसी आएगी, चाहे एडी मतलब हायर जुडिशरी की आए दिल्ली या लोअर जुडिशरी की आए। तो हायर जुडिशरी की पहले निकाल दी इन्होंने और डेट भी दे दिया है, तो मान के चलो जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है उसकी वैकेंसी भी आ सकती है, ये मत सोचना कि पहले ही आएगा पेपर, क्योंकि डेट बता रखी है इन्होंने। कंफ्यूज मत होना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखना। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी सेम हो सकता है, या तो एडीजे पहले आ सकता है, आरजेएस या जो भी पेपर होगा वो पता चल जाएगा। मीटिंग नहीं हो राजस्थान में, जो मैंने कहा था ना मीटिंग होने वाली है वो 10 तारीख डेट थी, तो 10 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हुई। अब नेक्स्ट डेट अभी पता नहीं है क्या है, मीटिंग में ही डिसाइड होगा कौन सी वैकेंसी आएगी, सिविल जज जूनियर डिवीजन आएगी या हायर जुडिशरी आएगी, क्या रहेगा। मीटिंग में प्रमोशन भी होंगे, जो बच्चों के प्रोविजन अटके हुए हैं अभी, क्योंकि बहुत 7-8 महीने से प्रोविजन पीरियड निकल चुका है सिविल जज का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है वही क्लियर करती है प्रोविजन, तो वो भी क्लियर होगा उस मीटिंग में, बहुत सारी चीजें होगी। चलो अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, बट इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाओ। इस चैनल लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, मतलब लॉ ऑफिसर की कहीं पे वैकेंसी है, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है मैं बताता हूं। और फिर भी कोई डाउट हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना। और हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट मैसेज करना, कोई डाउट हो मुझे तो हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। अब आपसे मिलेंगे अगले